Hello everyone, and this is a part 2. This is the continuation of the part 1 video which we showed like Banchara Hall ki. And in this video we'll be showing you all other stuff we got except from crockery. If you are new to the channel then, and if you want to see all the stuff we got at the crockery, basically the part 1, so you can go and check it out first. Yes. And this is in continuation to that. Let's begin to the video. ये दो कैंडल होल्डर्स लिए हैं. ये बहुत थोड़ा सा रफ रफ है, इन पे हल्का सा पेंट दोबारा से करना पड़ेगा. बहुत ज्यादा फिनिशिंग तो नहीं है लेकिन सुंदर लग रहे थे. इस पे आप कैंडल रख सकते हो और तो एक साइज में दोनों में डिफरेंस है, एक छोटा है एक बड़ा है. और ये मिले दोनों 100 रुपीज, मतलब 50 रुपीज. Yes. और इसका भी उन्होंने 150 बोला था और ये भी 50 रुपीज में ही हमें मिला. ये हमें मिल गया, बट अंदर आई गेस कोई भी 150 से नीचे इसको दे नहीं रहा था जितना मैंने सुना था. पर इस पे थोड़ा सा पेंट वेंट करके डिफरेंट कलर और उससे आप इसको और अच्छे से सुंदर बना सकते हो. ये रग, ये I mean, ये मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गया था. आई होप एवरीबॉडी लाइक्स इट टू. इवन और इसका भी बहुत बहुत प्यारी स्टोरी है. जैसे ही हम मार्केट में घुसे, हमने सबसे पहला रंग यही देखा था. और उन्होंने क्योंकि हम सुबह सुबह चले गए थे, सुबह आई थिंक 10:30 चले गए थे और अराउंड हम 4:30 के अराउंड हम वापस आए हैं. इतना बेसिकली ये जब हम लेने लगे थे, घुसते ही हमने मार्केट में जैसे ही हमने एंट्री किया, सबसे पहला रंग हमें ये दिखा इन कप्स के बाद. और उन्होंने हमें इसका बोला था 500 लास्ट. पहले 800 रुपए बोला, 800 से फिर 500 रुपए बोला. तो जब उन्होंने कहा कि आप अपना बताओ आप क्या देना चाहते हो, और हम वहां से चले गए थे क्योंकि मैं उस टाइम सोच रही थी इसका 250 रुपीज देने का. और मैंने 250 बोला और फिर वो थोड़ा बोले नहीं नहीं इतने में तो नहीं मिलेगा. सो उन्होंने फाइनली फिर हमें 300 बोला. हाँ, मैंने 200 बोला था पहले, उन्होंने 300 बोला, मैंने 250 बोला. वो 250 पे भी नहीं माने. फाइनली फिर हम इसको छोड़ के चले गए और वापस आके मैं जब पूरी शॉपिंग हो गई तब मैं वापस आके और मैंने ये फिर से 300 में. बट जनरली स्पीकिंग ये बहुत लंबा है, लाइक फॉर 300 इवन अंदर. और इसके थिक है, इसके हाफ के लिए ही आई गेस 300 कोट कर रहे थे, उतना भी नहीं 500. एंड ये होम सेंटर क्वालिटी का है, इवन बेटर है. कुछ भी ऐसा नहीं जो खराब हो रहा हो. विंटर्स में वार्म रहेगा काफी, लाइक बेड साइड आप बिछा सकते हो या फिर आप वैसे सेंटर में बिछा सकते हो, सोफे टेबल के पास बिछा सकते हो. तो मतलब बहुत सारा ऑप्शन. तो ये रग 300 में. और उसी शॉप से एक रग मैंने और ले लिया जो कि मुझे ये बहुत सुंदर लगा था. और इसमें थोड़ा सा ब्लू का शेड है, इसमें जूट और धागा दोनों चीजें मिक्स है. मुझे पता नहीं कैमरे पे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. हाँ, बट ये बहुत सुंदर है. और ये मुझे मिला 200 रुपए में. नो इवन लाइक आई थॉट लाइक 300-350 समथिंग, बिकॉज बोथ लाइक पीसेस बी गॉट लाइक 500 काफी बहुत चीप. मतलब ये तो स्टील डील मुझे लग रही है. सिर्फ 200 रुपए में मुझे ये मिला तो अच्छा है. आई एम इम्प्रेस्ड. 500 में ये दोनों. सो इन रग के बाद हमने एक थर्ड लिया था. एंड ये जब लाइक मैंने कहा कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले फर्स्ट स्टोर लाइक फर्स्ट स्टॉल पे सबसे पहले मुझे ये, दिस इज रियली प्रिटी. मैंने अमेजोन पे भी देखा है एंड 500 दे रहे थे वहां पे. बट इवन ये प्यारा लग रहा है. उन्होंने कॉट हमें इसका भी 300 लास्ट 300 किया था, बट वापस आके फिर मैं इसको 150 में लेके आई थी. लुक्स प्यारा, लिटिल प्रिटी मैट कंप्लीट जूट. एंड और ये तो मुझे इस टेबल पे भी डाल के अच्छा लगा. आपको रक्स दिखा दिए हैं और ये जूट का कारपेट दिखा दिया है, क्रोकरी हमारी दिखा दी है, कैंडल होल्डर्स दिखा दिए हैं. अब हमारा है जो कि हमें बहुत प्यारा एक आइटम मिला है, वो है ये कुशन. और फ्लफी है, प्रॉपरली फिल्ड है, ऐसा नहीं की लाइक पिचक जाएंगे स्टफ. और बहुत बहुत सुंदर है. ब्लैक कलर में साइड में इन पे जिप लगी हुई है. जॉइंट आई डोंट नो कैमरा में कितने आ रहे हैं, बट ब्लैक के ऊपर ही अच्छा सा मतलब फेदर का सा कुछ डिटेलिंग हो रखी है और वो उससे बहुत प्यारा लुक आ रहा है. क्योंकि बहुत ही ऐसे मिट्टी में पड़े हुए होते हैं इसलिए हल्का सा इन पे डस्ट लग रहा है.
ये एक बार अच्छे से क्लीन करने के बाद ये कुशन ना, इसका प्राइस आपको बिलीव नहीं होगा 100 ईच विद दीज कवर्स। इवन ऑनलाइन अगर हम ढूंढते हैं तो उस टाइप के एक्चुअली कुशन के लिए ही हमें 500 मिलता है, लाइक 500 ओनली कुशन। उसमें वो लोग आपको कवर भी नहीं देते, कवर है तो वो कुशन बहुत छोटा होगा, बट लुक एट दिस, इतना बड़ा है, इतनी प्रॉपरली लाइक अंदर से फिल्ड है कॉटन से पूरा, कि इतना वेट है इसमें। और ये दोनों 200 के, 300 बोले थे 200 में दे दिए। और ये जब इसके ऊपर ये जो टैग लगा हुआ है, मैं इसके टैग का रेट देख रही थी, तो इसका रेट है $119.99। तो इसका रेट तो बहुत हाई लिखा हुआ है, बट हमें ये बहुत अच्छी एक डील मिली है। ये लाइक समथिंग $1 $1.5। हाँ, नेक्स्ट लास्ट आइटम एंड द वन वी रियली लव एंड ये हमें बहुत है। इसके ऊपर वो है, सिंपल चाहिए वो है, in whatever design you want they had it, thread work bhi the bahut sare, price bahut high quote karenge starting mein jaate hi, like actually amazon wala karenge high kya, koi 300,000 quote karna for a pair, koi like 2000, koi 2500 even apke jo hum gaye, agar aap normal price mein keh rahe ho, aapne kaha ki nahi we want it for like 1500, so they'll not even entertain you ke 500 kam karane ke liye bhi, but we found a shop जिनने हमें ये 1100 में दिया, उन्होंने 1500 कोट किए थे और 2000 एक्चुअली 2 से 15 पे, 15 से 12 पे आए। इवन अगर आप उनको जो मैंने देखा, अगर आप पहले ही एक लो प्राइस पे मान जाते हैं लाइक, बट एक लेडी थी शी वाज लाइक फाइन विद अगर 15 भी, तो 15 पे रोक देते हैं उनको, फिर वो अगर उनको दिख जाता है कि ये 15 तक दे देंगे तो वो बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है टोटली, कि आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हो। जनरली स्पीकिंग सिर्फ हमें ये 1100 मिला, मैं वहाँ पे कई देर बैठी थी, सो वहाँ पे 3 पीपल केम एंड ऑल 3 ऑफ देम गॉट फॉर लाइक 1200, क्योंकि उससे कम हो नहीं देता, हमें ये 11 पता नहीं मिल गया। हाँ, और ये बड़े सुंदर भी लगते हैं घर में, बहुत ही फैंसी सुंदर से लगते हैं, और आप इनके मतलब जब तक आपको ग्रीन करना चाहिए ग्रीन रखो, उसके बाद आप ये कवर चेंज भी कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप का कोई दूसरा कवर इस पे लगा सकते हैं, रियली कंफर्टेबल टू सिट ऑन, लंबे भी हैं, बहुत प्यारे भी हैं, सुंदर है और अच्छे भी लगते हैं, मतलब आप अपने घर में अगर इसको अच्छे से सजाते हैं थोड़ा डिकोर टाइप तो भी बहुत सुंदर है। ये मिरर भी हमने बंजारा मार्केट से लिया था, और ये हमारी थोड़ी पुरानी परचेज है जो हमने लास्ट ईयर वहाँ से लिया था, और ये काफ़ी बड़ा है मिरर जो हमें मिला 1600 में, सो ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे हमें मिला है और बहुत प्यारा लगता है, लाइट ग्रे लाइट ग्रीन कलर पेस्टल कलर है इसका थोड़ा सा, ये देखिए बहुत सुंदर लगता है, और ये आपके घर में एक बहुत ही एस्थेटिक एंड बहुत ही ब्यूटी ऐड करता है। ऑल्सो ये बास्केट हमने बंजारा मार्केट से ली थी, और ये बास्केट तो बहुत बहुत चीप प्राइस पे हमें मिली है, इसमें आप प्लांट्स भी रख सकते हो, बुक्स भी रख सकते हो, जैसे जो चाहो आप इसमें ग्रोसरी का सामान रख सकते हो, सो ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बास्केट मुझे मिली थी 250 रुपीज़ में बंजारा मार्केट से, और इसको हो गए हैं करीब 1 ईयर हो गया है लिए हुए, और ये स्टिल वैसे के वैसी है, इसमें कोई इसका डेंट पेंट कुछ नहीं उतरा है, सो स्टिल बहुत ही प्यारी हमारी परचेज रही है और बहुत अच्छी लगती है। एक ये मैंने मिरर लिया है जो 500 रुपीज़ में हमें मिला है, और इसकी भी लेंथ काफ़ी सही है, ये देखिए ये दूसरे वाले से थोड़ा छोटा है, और ये भी काफ़ी सुंदर है, वुडन फ्रेम है इसकी। और इनका बेस्ट पार्ट है कि अगर आप चाहो तो इनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, स्प्रे पेंट से आप इसका वुडन का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो फाइनली वाज द लास्ट आइटम दैट वी गॉट, एंड विद दिस
we're going to end this video, guys. If you like something we got, if you want some stuff similar to that, or if you just want something, even हमने part one में पूरा show किया है जो भी उनके पास है, wall hanging से लेकर furniture तक, तो whatever you want, you can like really go back to our videos, see all the stuff and आप जाइए, हम description में आपको दे देंगे address, and if you want it, तो जल्दी जाइए because बाद में नहीं पता कि वो हट जाए या अभी वही प्रोसेस में है. लेकिन जब भी आप बंजारा जाएं, दो तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखें. सबसे पहला, आपके पास कैश होना चाहिए, क्योंकि वो पेटीएम कोई हार्डली 1 से 200 जो पेटीएम या गूगल पे एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज सबको कैश चाहिए. तो जब मैं गई थी तो मैं अराउंड 5000 के आसपास का कैश लेके गई थी, और कैश भी उतना ही लेके जाए जितना आपको बजट अलाउ करता है, जितना आपको एक्सपेंड करना है. क्योंकि बेसिकली होता है, अगर आप बहुत ज्यादा कैश ले जाओगे, उस मार्केट में से खुद को रोकना बहुत मुश्किल है. आप सारा खर्च करके आ जाओगे, क्योंकि जब मैं वापस आई वहां से तो मेरे पॉकेट में कुछ नहीं था. मास्क लगाए क्योंकि भीड़ बहुत है. तो हम तो जितने भी टाइम हमने वहां पे शॉपिंग की, हम अपना प्रॉपर मास्क पहन के रखा था, बार बार हैंड सैनिटाइज कर रहे थे और सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे थे. लेकिन धूप में इतनी हालत खराब हो रही थी कि हम अभी शाम हो गई है और शाम तक भी हम वो मतलब हमें लग रहा है कि हम बहुत थके हुए हैं, बहुत टायरिंग हो गया था. बिकॉज़ शॉपिंग करना, ऊपर से बार्गेनिंग करना, सामान उठाना अपना सारा, हाँ, इवन कार्स आपको बाहर पार्क करनी पड़ती है, बिकॉज़ देयर इज नो लाइक अरेंजमेंट इन बिटवीन, एंड तो रोड है छोटा सा. तो यस, तो बस ये इन चीजों का ध्यान रखें. और That's all for today's video, guys. If you really enjoyed our video, then do like, share, subscribe, and go visit Banjara Market. If there's any of these things you've already like gotten from there, so please tell us कि आपने कितने में ली, कम में, ज़्यादा में. बताना हम लूटे हैं या हमने लूटा है. वो तो नहीं लूट सकते वो लोग. हाँ, तो obviously उनका तो रोज का काम है. But thank you so much for watching. Thank you. अगर ये video पसंद आया है तो like करें.